आप सभी होली मना ही रहे होंगे और ये वीडियो मैं एक दिन बाद अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं एक दिन पहले ही मतलब वीडियो को बना लेती हूँ, इसलिए आज होली के दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसलिए टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है आज के, ठीक है? तो क्वेश्चंस हम लोग कुछ आज करने वाले हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक्स के हैं, और मैं यहाँ पर डिटेल में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूँगी, क्योंकि डिटेल में जो चैप्टर होगा जो मैंने करवाया होगा तो मैं उसे आई बटन में लगा दूंगी, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ ओन इनपुट्स यूज्ड बाय द फर्म इन इट्स ओन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है? तो जब ओन इनपुट यूज करेगा, ठीक है, जब ओन इनपुट यूज करेगा कोई फर्म, ठीक है, ओन प्रोडक्शन प्रोसेस में, मतलब कि क्वेश्चन जो भी है आपने पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन जो भी, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ओन्ड इनपुट्स, ठीक है, तो ये ओन वर्ड से ही आपको याद आ गया हो, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर, सेल्फ एम्प्लॉयड कैपिटल, जो कि मैंने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट मैंने करवाया हुआ है, ठीक है? तो देखिए यहां पर क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। जो एक्सप्लिसिट होता है, जैसे कि आप लेबर को हायर किए तो आप लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। रॉ मटेरियल में, ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, सारे एक्सपेंडिचर जो आप दूसरे को दे रहे हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा, ठीक है, क्लियर है? इम्प्लिसिट की अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट आप किसी को नहीं पे कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान, ठीक है, कोई इंडिविजुअल पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन क्या है, वो खुद की दुकान पे अगर काम कर रहा है तो क्या वो खुद को सैलरी देता है? नहीं देता है। तो ये क्या हो जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर, ठीक है, वो क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर, क्योंकि दुकान उसका है, काम उसका है, वो खुद काम कर रहा है, किसी एम्प्लॉय को रखने की बजाय वो खुद से काम कर रहा है, उसको खुद को पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है? देखिए दोनों में एक और चीज है जो पूछी जाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हम किसी और को पे करते हैं, ठीक है, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब कि हम अपनी दुकान पे काम करते तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, कितना, उस कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिकॉर्ड करते। एग्जाम में इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाता है कि कौन से कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड बुक में, किसको नहीं करते, तो आपको क्लियर रखना है एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्योंकि दूसरे को पे करना है तो उसको रिकॉर्ड करना है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो किसी को पे नहीं करते, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर, आप खुद से काम कर रहे हैं, ठीक है, आप एज अ मैनेजर काम करिए, अकाउंटेंट काम करिए, किसी भी तरह से काम करिए, आप खुद को पे नहीं करते तो उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? इसका आंसर आपको समझ में आ गया, ओन्ड लिख दिया, खुद से खुद का इनपुट, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा, आंसर विल बी, आपको क्लियर हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या है, बहुत ही इजी है, द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है, आपको फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस करने हैं, फॉर्मूला वाला क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी और स्टैटिस्टिक्स से भी बहुत सारे फॉर्मूले, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर पर इजी चैप्टर, टफ नहीं है, उससे भी बहुत सारे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रख दीजिए, फॉर्मूला फॉर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ठीक है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू ए बी सी वन प्लस एम, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का, यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो मैं करवा रही हूं, लेकिन इस चैप्टर को आपने अगर नहीं पढ़ा है आईसो कॉस्ट का, तो आपको आई बटन पे, ऊपर में आप देखेंगे आई बटन पे ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, मैं इंक्लूड कर दूंगी, क्योंकि अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ा सकती, ठीक है, थोड़ा कम में पढ़ाऊंगी, तो इसको मैं आई बटन में इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या, लोकस ऑफ पॉइंट ऑन डिफरेंट आइसोपॉन्ट एट विच द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन डिफरेंट आइसोपॉन्ट, यहाँ पे क्या डिफरेंट आइसोपॉन्ट है, जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है,
कॉन्स्टेंट है, एम आर रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आइसो कॉस्ट कुछ और है, आइसो कॉस्ट लाइन कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन गिवन है कि लोकस ऑफ पॉइंट, यहाँ पे टारगेट किया गया पॉइंट पे, ठीक है, डिफरेंट आइसो पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आइसो कॉस्ट लाइन होगा, आइसो लाइन होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ, ठीक है। कल मैं बहुत ही बड़ा सेशन लूंगी, आज थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिससे आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और डेली मैं मॉर्निंग इवनिंग में शॉर्ट्स वीडियो में मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, जो कि पी वाई क्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है।